हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू मुकाबले में फिर से भिड़ने वाली है नेपाल और नामीबिया। या दोस्तों, और बता दें कि यह मुकाबला बेहद ही अहम होने वाला है दोनों टीमों के लिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होगा प्लेइंग 11 और कब और कितने बजे से शुरू होगा यह महामुकाबला, पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में भिड़ंत होने वाला है नेपाल और नामीबिया का, बता दें कि इससे पहले भी इसी वर्ल्ड कप लीग टू में एक बार भिड़ चुकी है नेपाल और नामीबिया। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला था और बता दें कि इस मुकाबले में नामीबिया ने नेपाल को हरा दिया था। जी दोस्तों, ये बेहद ही बड़ी हार थी। लेकिन बता दें कि अगला मुकाबला फिर नेपाल ने बेहतरीन जीत दर्ज की नीदरलैंड के खिलाफ। ऐसे में यह मुकाबला जीत कर ना सिर्फ अपना अच्छा स्थिति बनाएगी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में नेपाल, बल्कि एक बदलाव भी पूरा हो सकता है नेपाल का नामीबिया के खिलाफ। तो दोस्तों, अब बात करें यह मुकाबला किस दिन है। तो दोस्तों, बता दें कि यह मुकाबला जो कि होने वाला है 21 फरवरी को होने वाला है। बता दें कि यह मुकाबला जो कि खेला जाएगा काठमांडू में खेला जाने वाला है, और यह मुकाबला जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, यह मुकाबला नेपाल के टाइम के हिसाब से 9:15 पर सुबह में ही शुरू हो जाएगा, वहीं इंडियन टाइम के हिसाब से यह मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, बता दें कि यह मुकाबला आप फैन कोड पर देख सकते हैं इंडिया में, इसके अलावा नेपाल में आप एक्शन स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। तो वहीं अब बात करें नेपाल का क्या होगा बेस्ट प्लेइंग 11 नामीबिया के खिलाफ, तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों, बता दें कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आशिफ शेख, अकीय भुटेल, बेहद ही अहम भी है, दोनों बेहतरीन फॉर्म में भी है, अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद अनिल कुमार, बी शार्की, रोहित कुमार पौडेल जो कि कैप्टन होंगे, आरिफ शेख, इसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मला, गुलशन कुमार झा, इसके बाद दोस्तों नजर आएंगे पी शराफ और करण केसी। तो दोस्तों, यह हो सकता है नेपाल का बेस्ट प्लेइंग 11 नामीबिया के खिलाफ। जी हां दोस्तों, अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करती है नेपाल की टीम तो और बेहतर स्थिति में आ जाएगी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के टूर्नामेंट में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नेपाल कैसा करेगा परफॉर्मेंस नामीबिया के खिलाफ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।